वाईदू न्यूज। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, पाक मीडिया की खबर आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है और आप जब सब्सक्राइब नहीं करते हो तो वीडियो बनाने का हौसला कम हो जाता है। कृपया सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई वीडियो गलत लगती है तो हमें कमेंट करके बताएं और पाकिस्तान को क्या मैसेज देना चाहते हैं कमेंट में बताएं। जाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जनाब। जाहिद साहब, इश्यूज तो बहुत हैं लेकिन वन बाय वन जरा जॉट डाउन करते हैं। सबसे पहले जो भारत से हमने जो बरामदात रोकी थी, दरामदात हमारी कम हुई थी, इम्पोर्ट्स हमने रोकी थी, उसका कितना इम्पैक्ट आया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे और हमारी डिपेंडेंस क्यों है खाम माल पे? क्या पाकिस्तान में खाम माल नहीं बन सकता है, क्या चाइना से हम ही ले सकते हैं? इंडिया पे इतनी डिपेंडेंस क्यों थी हमारी? देखें, इंडिया से हमारा दो मरतबा पिछले साल में जो है वो मसाइल पैदा हुए, एक दफा फरवरी में और एक दफा जुलाई में, और जुलाई के बाद हुकूमत ने डिसाइड किया कि हम उनसे ट्रेड बंद कर देंगे। लेकिन इस डिसीजन को करते हुए हमने जिस चीज़ पर गौर नहीं किया था वो ये कि तकरीबन 50% जो खाम माल है वो इंडिया से हमारे यहाँ दरामद होता है और बाकी 50% चाइना और दीगर ममालिक से होता था। तो जैसे ही ये चीज़ आई तो जाहिर है कि हमने अप्रोच किया और उसके बाद जो नोटिफिकेशन निकली उसके अंदर ये चीज़ आई, दो मिनिस्टर्स की कमेटी बनी और फिर उन्होंने फैसला किया एसोसिएशन के साथ मिलकर, जो नोटिफिकेशन थी वो ये कि थेरापीटिक गुड्स विच आर रेगुलेटेड बाई ड्रैप, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, उनकी दरामद को जारी रखा जाए, इसलिए कि उसके बगैर ये मुमकिन नहीं था कि दवाइयाँ मौजूद रहती, तकरीबन 50% दवाइयाँ गायब हो जाती। मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि अगर दवाइयों का कोई एक इंग्रेडिएंट भी आपको चेंज करना हो, उसके अंदर इनएक्टिव एक्टिव सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, इवन उसका कलर है या उसकी कोटिंग है, कोई भी चीज़ चेंज करनी हो तो आपको कम से कम 8 महीने चाहिए होते हैं स्टेबिलिटी स्टडीज़ करने के लिए। तो एक दिन के अंदर ये डिसीजन लेना मुमकिन नहीं था और हुकूमत ने हमारी इस बात को तस्लीम किया और उन्होंने सारी ट्रेड बंद करने के बावजूद APIs की ट्रेड जो है उसको अलाउ किया। APIs जो है बड़ी वाइड रेंज है, इसके अंदर बहुत चीज़ें हैं, अगर हम नाम लिखने जाते तो सैकड़ों हजारों में ये चली जाती। लेकिन जाहिद साहब, यहाँ पे एक जनरल एक सवाल, क्योंकि अभी जो कंट्रोवर्सी आई थी, जाहिद साहब एक सवाल कि जो कंट्रोवर्सी आई थी कि हमने विटामिंस मंगवा रहे थे ये थेरेप्यूटिक और सारी चीजों के आड़ में, तो उसमें क्या सच्चाई है? देखिये, विटामिन जो है वो थेरेप्यूटिक गुड्स हैं, विटामिन नॉन थेरेप्यूटिक नहीं है। मैं मिसाल देता हूँ आपको, आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है और उसकी दिफा जो है वो विटामिन सी में है, तो ये एक थेरेप्यूटिक गुड है। विटामिन जो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ ताकत के लिए होती हो, अगर आप फोलिक एसिड को देखे हैं तो वो एक विटामिन है, बड़ा सस्ता सा विटामिन है, और फोलिक एसिड की वजह से अगर वो ना दिया जाए एक्सपेक्टिंग मदर्स को, 9 महीने तक उन्हें खाना पड़ता है, अगर वो मौजूद ना हो तो बच्चे स्टंटेड पैदा होते हैं, डिफेक्टिव बच्चे पैदा होते हैं। तो विटामिन अपनी जगह बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप विटामिन B1 को लें, बेरी बेरी डिजीज में इंसान मर जाता है अगर उसे विटामिन B1 ना मिले, तो ये मेरा ख्याल है कि मिस रिप्रेजेंट किया गया है, इसको गलत तरीके से पेश किया गया काबीना के सामने, जिसकी वजह से ये मसला पैदा हुआ है। विटामिन्स जो हैं वो थेरेप्यूटिक गुड्स के अंदर शामिल हैं, उस डेफिनेशन में शामिल हैं जिसकी इजाजत हुकूमत पाकिस्तान ने दी थी। अब इस दौरान में ये सितंबर के अंदर हमें इजाजत मिली, दिसंबर तक हमने कोशिश की कि तकरीबन 15-20% अपना इन्हिसार हम फौरी तौर पर कम कर दें भारत के ऊपर, और लोग चाइना पर शिफ्ट हुए। इधर हम चाइना पर शिफ्ट हुए, जनवरी की पहली तारीख से चाइना लॉकडाउन में चला गया और मार्च के आखिर तक चाइना मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। अब हमारे पास दो चॉइसेस थी, या तो हमारे पास ये चॉइस थी कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में दवाओं की शॉर्टेज हो जाती और दवाएं ना मिलती, उसकी वजह से शॉर्टेज की वजह से दवाएं ब्लैक होती, तो हमने जाहिर है कि इसको प्रेफर किया कि इस मुश्किल वक्त में हुकूमत और आवाम दोनों के लिए मुश्किल वक्त है कि दवाएं मौजूद रहें और उनकी कोई शॉर्टेज ना हो, उनकी कीमत के अंदर कोई इजाफा ना हो, कोई ब्लैक मार्केटिंग ना हो। इसलिए जाहिर है कि हमें दोबारा चाइना से दोबारा इंडिया की तरफ आना पड़ा कि 3 महीने के लिए चाइना की सप्लाई बंद हो गई थी। तो मेरा ये सजेशन है हुकूमत को कि हमें और हुकूमत को मिलकर ये फैसला करना है कि हमें भारत पर इनसार को खत्म करना है अगले 1-1.5 साल के अंदर। हमें तकरीबन समझे कि इसको अगर 50% था तो इसको 2-5% अगर रह जाए, बहुत जरूरी चीज है तो वो रह जाए, बाकी सबको हटा देना है। लेकिन आज की सूरत हाल के अंदर जितनी टर्बुलेंस है, मटेरियल्स अवेलेबल नहीं है, शॉर्टेजेस हो रही हैं, दुनिया भर में हो रही हैं, उसको बरकरार रखने के लिए मैं समझता हूं कि इस वक्त ये डिसीशन पाकिस्तान के अवाम के हक में नहीं होगा,
कि फौरी तौर पर इसकी बंदिश की जाए। कम से कम 6 महीने का वक्त हमें गुजारना चाहिए जिसके अंदर हमें तय करना चाहिए कि हमें क्या करना है और इन्हिसार को कैसे कम करना है और उसके बाद फिर हमें एक्शंस लेने चाहिए। जैसे यहाँ पे कंपैरिजन लोग करते हैं, तकाबुल करते हैं प्राइसेस की। पाकिस्तान में दवाइयों की कीमत कहते हैं बहुत ज्यादा है, भारत से इंडिया से आप एग्जाम्पल ले लें कि क्यों इतना डिफरेंस क्यों है? देखिए ये एक मेरा ख्याल है कि बड़ी ही खाम ख्याली है। ऐसी कोई प्राइस डिफरेंशियल इसलिए मुमकिन नहीं है कि अगर आप हमारी प्राइस पॉलिसी 2018 को उठा के पढ़ें जो कि सुप्रीम कोर्ट की एंडोर्समेंट के साथ वफाकी हुकूमत ने इशू की थी, तो उस पॉलिसी के अंदर ये क्लियरली लिखा हुआ है कि हमारा जो बेंचमार्क है वो कंपैरिजन है बिटवीन एवरेज ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। यानी हम सार्क के अंदर रीजन में 3 ही मुल्क हैं जो कि दवाइयां बनाते हैं, एक पाकिस्तान, एक बांग्लादेश और इंडिया। बाकी छोटे ममालिक हैं जो दवाएं इंपोर्ट करते हैं, उनकी अपनी इंडस्ट्री नहीं है। तो हमने बेंचमार्क कर दिया कि जनाब अगर कोई चीज इंडिया में महंगी भी है और बांग्लादेश में सस्ती है तो हमने कहा कि हम बेंचमार्क ये करेंगे उन दोनों का एवरेज, यानी महंगी वाली साइड को लिया, अगर बांग्लादेश में महंगी है और इंडिया में सस्ती है तो एवरेज करेंगे हम उनका, उसमें से महंगे वाले को नहीं लेंगे। तो आज की पॉलिसी के मुताबिक कोई भी दवा पाकिस्तान में इंडिया और बांग्लादेश के एवरेज से महंगी बिक ही नहीं सकती, ये पॉलिसी के अंदर लिखा है और इसी के ऊपर अमल दरामद हो रहा है। ये अलग बात है कि हमारे यहाँ ये इंप्रेशन है। और एक चीज ये भी है कि क्योंकि जो भारत की करेंसी है उसके 1 रुपए के मुकाबले में हमारा तकरीबन 1.80 रुपए बनता है, तो खुद ब खुद वो आपको उसके अंदर डिफरेंशियल नजर आता है। लेकिन ये बेंचमार्क अपनी जगह बिल्कुल मजबूती से कायम है, इसलिए मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मुमकिन ही नहीं है कि किसी भी ड्रग को आज प्राइस मिले पाकिस्तान में तो वो इन दोनों ममालिक से ज्यादा हो। अच्छा, अब एक और पॉजिटिव खबर जो कल जफर मिर्जा साहब ने, जो मुशीर सेहत है, उन्होंने भी कहा कि जो एक कोरोना के खिलाफ जो एक ड्रग है रेमडेसिविर, उसकी पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग अलाउ कर रहे हैं, यानी लाइसेंस अमेरिकन कंपनी है पाकिस्तान को दे रही है। ये कितना बड़ा ब्रेक थ्रू है पाकिस्तानी फार्मा इंडस्ट्री के लिए? मेरा ख्याल है बड़ी काबिल फख्र बात है कि हमारी एक नेशनल कंपनी है, फिरोजसंस लेबोरेटरीज हमारे मेंबर भी हैं और उन्होंने, उनको गिलियड लाइफ साइंसेस जिन्होंने इस दवा को ईजाद किया है और उसका पेटेंट होल्ड करते हैं, उन्होंने फिरोजसंस फार्मास्यूटिकल को इसका लाइसेंस इशू किया है। और फिरोजसंस पहले भी उनके पार्टनर थे दीगर अद्वियात के अंदर और उन्होंने उन्हीं के साथ इस पार्टनरशिप को एक्सटेंड किया। तो इस रीजन में इंडिया और पाकिस्तान को, यानी हमें पाकिस्तान को इंडिया के बराबर रखा गया है कि वहाँ भी लाइसेंसिंग हुई है और पाकिस्तान में भी लाइसेंसिंग हुई है। मेरे ख्याल है इसके नतीजे में ना सिर्फ ये होगा कि पाकिस्तान में रेमडेसिविर जो है वो निस्बतन सस्ते दामों में कंपेयर टू जो वो अमेरिका में मिलती है, यूरोप में उसके मुकाबले में सस्ते दामों में पाकिस्तान में मिल सकेगी, बल्कि ये भी होगा कि पाकिस्तान में अगर ये बनेगी तो पाकिस्तान से इंशाल्लाह ताला इसकी एक्सपोर्ट भी होगी। ये पाकिस्तान इंडस्ट्री के लिए बहुत खुशाइंद है और ये इस बात का सबूत है कि अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं वो समझती हैं कि आज पाकिस्तान की फार्मा उस स्टेज पर खड़ी है जहां पर वो इंटरनेशनल क्वालिटी को इंश्योर कर सकते हैं। बजट के भी आमद आमद है, बजट के क्या प्रपोजल्स हैं कंक्रीट, यानी पाकिस्तान कैसे रेवोल्यूशनाइज कर सकता है अपनी फार्मा इंडस्ट्री को? अब देखिए बेसिक लेवल की चीजें हैं जी, जो स्नेक सेरा था वो नहीं बना सक रहे थे, एंटी रेबीज वैक्सीन नहीं थी, अब NIH ने शुरू कर दिया है, तो पाकिस्तान अपनी जो खाम माल में जो हमारी डिपेंडेंस है चाइना या इंडिया दोनों पे, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? जो बुनियादी चीजें हैं वो क्या क्या हम करें ताकि हमारी फार्मा इंडस्ट्री खुद कफील एक तरह से हो जाए और हम पूरी वर्ल्ड मार्केट में अपना हिस्सा भी करें? तो बजट प्रपोजल भी और ये इंडस्ट्री के लिए भी फाइनल वे आउट क्या है? देखिए मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में फार्मा इंडस्ट्री को कभी इंडस्ट्री समझा ही नहीं गया। आज हमारे पास 800 यूनिट्स हैं, हम तकरीबन $300 मिलियन प्लस की एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स में नहीं रखा जाता। जब 5 एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स की बात की जाती है पाकिस्तान में, ये 50 साल पुरानी लिस्ट है, हम उसी को रोए जा रहे हैं जबकि वो एक्सपोर्ट हम नहीं कर पा रहे। आज आप, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, अल्लाह करे सब इंडस्ट्रियल सेक्टर्स तरक्की करें, उस 5 एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स में तो उठाएं तो $75 मिलियन का कारपेट सेक्टर है, उसको आपने एक्सपोर्ट में रखा हुआ है। एक फार्मा कंपनी $75 मिलियन की पाकिस्तान में एक्सपोर्ट करती है, अकेली एक फार्मा कंपनी। आप फार्मा को एक्सपोर्टिंग सेक्टर में नहीं डालते, उसको वो मराहत नहीं देते। मसला हमारा क्या है मराहत के लिहाज से, मेरा मतलब ये नहीं कि हमें हुकूमत जो है वो पैसे दे या हमारी इमदाद करे, ये मतलब नहीं है, लेकिन वो पॉलिसी फ्रेमवर्क जो मिलता है आपको जिसके अंदर ये आपको नजर आती है, जैसे आपने बताया अभी रेमडेसिविर आ गई, अगर हमारे पास पॉलिसी फ्रेमवर्क सही होगा तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पाकिस्तान में और दुनिया में सबसे कम है,
डिवेल्यूशन होने के बाद हम इंडिया और चाइना से भी सस्ते हो गए अपनी कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर। अगर हमारे पास पॉलिसी फ्रेमवर्क होगा, अगर हमें 5 एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स में डाला जाए, तो मैं आपको यकीन से ये बात बताता हूँ कि दुनिया की, अमेरिका की, यूरोप की, जापान की, ऑस्ट्रेलिया की, दुनिया की तरक्की याफ्ता मुल्क पाकिस्तान में अपने रॉ मटेरियल्स बनवाने के लिए पाकिस्तानी फार्मास्यूटिकल कंपनीज से आएंगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, हमारी एक्सपर्टीज बढ़ेगी, हमारी ह्यूमन रिसोर्स ट्रेन होगी और उनका लेवल अपग्रेड होगा। और जब ये मुमकिन है कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए, जिस तरह इस चीज़ को इंडिया ने अट्रैक्ट किया है कि दुनिया का 50-60% अब रॉ मटेरियल वहाँ बन रहा है, हम अगर अपने यहाँ पॉलिसी फ्रेमवर्क सही देंगे, फार्मा सेक्टर को रिकग्नाइज करेंगे, तो मैं आपको यकीन से बताता हूँ कि 3 साल के अंदर, मैं ये आपके सामने दावा कर रहा हूँ और इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ कि आप हमें एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स के अंदर डाल दीजिए, पॉलिसी फ्रेमवर्क हमारा सही कर दीजिए, हमारी इंडस्ट्री को उसी तरह रिकग्नाइज कीजिए जिस तरह फार्मर्स आप जो है वो एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स को करते हैं। 3 साल के अंदर हम टेक्सटाइल के बाद सबसे बड़ा एक्सपोर्टिंग सेक्टर होंगे पाकिस्तान का। और दूसरी चीज ये होगी कि हमारा 70-75% इनसार APIs का इंडिया और चाइना के ऊपर से खत्म हो जाएगा। ये मैं दावा कर रहा हूँ 3 साल के अंदर। यही हुकूमत अगर आज इस काम को शुरू करे, तो इससे पहले कि इस हुकूमत का ये टेन्योर खत्म होगा, इंशाल्लाह ताला हम एक्सपोर्ट $1 बिलियन से ऊपर की कर रहे होंगे और हमारा इनहिसार रॉ मटेरियल्स की इंपोर्ट के ऊपर से 60-70% कम हो जाएगा विद इन 3 ईयर्स। और ये बड़ी पॉजिटिव बात है। इसी नोट पे आपसे इजाजत चाहेंगे। जाहिद सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक ये चेयरमैन है सन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के। बहुत बड़ा दावा किया, उनका कहना है कि अगर एक्सपोर्ट के जो 5 सेक्टर्स हैं उनमें अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को शामिल किया जाए तो एक्सपोर्ट 3 साल में 1 बिलियन तक और टेक्सटाइल के बाद सबसे बड़ा सेक्टर बन सकता है। उन्होंने कहा कि पॉलिसी फ्रेमवर्क भी बेहतर करें। एक बहुत खुशाइंद खबर पाकिस्तान फार्मा सेक्टर की तरफ से, एक अच्छी खबर आई थी कल के जो रेमडेसिविर जो ड्रग है वो पाकिस्तान की कंपनी है उसको लाइसेंस मिल गया, वो भी बनाएगी पाकिस्तानी। यानी पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, बहुत चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी उसकी एक एग्जांपल है। फिलहाल हम डिपेंडेंट हैं इंडिया और चाइना पे खाम मटेरियल के लिए। चाइना के जो प्रॉब्लम है तो इस वजह से इंडिया अभी मजीद 6 महीने हमें कैरी करना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ पॉलिसी बनाकर हम इससे भी निकल सकते हैं। इसका भी मुतबादल हमारे पास हल मौजूद है। मजीद उन्होंने ये कहा कि कोविड का भी जो इम्पैक्ट है वो फार्मा इंडस्ट्री पे भी है, लेकिन पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री इतनी रेजिलियंट है कि इसका मुकाबला कर सकती है।